आज मैं शेयर करी आपके साथ अपने वार्डरोब से अपने समर की कुछ न्यू कलेक्शन. सो कीप वॉचिंग. बिलीव इन योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे. आज की वीडियो मेरे उन सारे व्यूअर्स के लिए जिनको ड्रेस डिज़ाइनिंग का बहुत शौक होता है और ये जो टैलेंट होता है ना, ये आपके अंदर होता है, उसको थोड़ी सी इंस्पिरेशन चाहिए होती है, थोड़ी सी नए आइडियाज़ को देखते हुए उसमें अपनी कुछ क्रिएटिविटी डालनी होती है और फिर बहुत ज़बरदस्त सी ड्रेस डिज़ाइनिंग हो जाती है, जो कि करते रहना चाहिए, बड़ा मज़ा आता है. अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं कहीं से कोई थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल जाती है. अच्छा, ज़रूरी नहीं कि इंस्पिरेशन जो है वो आपको सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों से ही मिले. आपको इंस्पिरेशन नेचर से मिलती है. कोई ऐसा प्रिंट नज़र आता है, कोई ऐसा कलर नज़र आता है तो आपको दिल करता है इसके साथ अगर इसको मिला के थोड़ी सी लेस लगा दी जाए, थोड़ा सा ये कर दिया जाए, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करवा दी जाए तो बहुत अच्छी डिज़ाइंस बन जाती हैं. तो इसी तरह से जो है वो हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है. कुछ लोगों को एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े बहुत पसंद होते हैं मेरी तरह, कुछ को सिर्फ प्लेन कपड़े बहुत पसंद होते हैं, कुछ को ईस्टर्न, कुछ को वेस्टर्न. तो आज मैं अपने वार्डरोब से कुछ अपनी नई कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ. हो सकता है कि आपको इनसे कुछ आइडियाज़ मिलें, कुछ इंस्पिरेशन मिले और आप ज़बरदस्त सी डिज़ाइंस क्रिएट करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जब वेदर चेंज होता है तो बड़ा मज़ा आता है कुछ थोड़े से एडिशन अपने वार्डरोब से में करनी चाहिए. कुछ पुराने कपड़े जो हैं वो थोड़े से साइड पर रख लेने चाहिए, फिर नेक्स्ट ईयर वो सारे नए लगने लगते हैं. अब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो कलरफुल आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं ये शायद स्प्रिंग के आते ही मेरे वार्डरोब में ऐड हो गए. और सबसे पहला कलर जो है ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स जो कि है पर्पल कलर. और ये कपड़े मैं बता दूँ कि कोई बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं हैं, सारे अनब्रांडेड कपड़े हैं. और मेरे लिए एक्चुअली ब्रांडेड और अनब्रांडेड, यकीन करें, इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि मुझे जो चीज़ पसंद है, जो बजट फ्रेंडली है मेरे लिए, जो मेरे स्टाइल में फिट आती है, जो मुझे अट्रैक्ट करती है, फिर मैं वो लेती हूँ. और फिर मैं ये नहीं सोचती बिल्कुल कि ये एक आम लोकल शॉप से मैंने लिया है या बहुत ही सस्ता लिया है. अच्छा, बहरहाल ये पहला मेरा ड्रेस पर्पल कलर का, इसका कलर आप देख सकते हैं, इस पर एम्ब्रॉयडरी जो है, एक तो ये कलर बहुत प्यारा था और कलर के साथ जो एम्ब्रॉयडरी का जो कलर है वो उस पर बहुत मुझे अट्रैक्टिव लगा. ये बिल्कुल अनस्टिच मैंने सूट लिया था और इसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कट में सिलवाया है. ये पाइपिंग भी आपको नज़र आ रही है बेज कलर की, जैसी एम्ब्रॉयडरी है उस कलर की मैंने पाइपिंग लगवा दी है. लॉन्ग मैंने चाक रखे हैं और शेरवानी कॉलर, और ये दुपट्टा भी इसी कलर का रखा है ताकि इस पर ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी जो है वो और अट्रैक्टिव लगे. और ट्राउज़र इसका बिल्कुल प्लेन मैंने स्ट्रेट कट में ट्राउज़र बनवाया था, वो भी इसी कलर का. और ये मैंने पहना था PTV पर, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, मैं लिंक शेयर कर लूँगी अगर आप मेरा वो इंटरव्यू देखना चाहें उसमें. और ये है मेरा दूसरा सूट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी. अगेन, इस पर भी बहुत अच्छी खूबसूरत सी लेज़र एम्ब्रॉयडरी है. और ये सिर्फ शर्ट ली थी मैंने, एक बुटीक था वहाँ से छोटा सा, और उस पर टसल ये लगे हुए हैं. सेल में बहुत अच्छी प्राइस में मिल गई थी तो मैंने ले ली थी. मेरी साइज़ भी मुझे बिल्कुल मीडियम साइज़ मिल गई. कुछ कपड़े मुझे स्मॉल आते हैं, कुछ मीडियम आते हैं, तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट बुटीक्स के स्टाइल्स पर. और ये एम्ब्रॉयडरी आपको नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत सी लेज़र एम्ब्रॉयडरी है. ये दामन में भी है, इस पर पाइपिंग भी लगी हुई है. ये जो चुने हुए दुपट्टे बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो ये दो दुपट्टे मैंने इसी कलर के लेके और इसको मैंने जोड़ दिया, मतलब कि सिलवा दिया, उसको स्टिच करवा दिया. तो ये दो कलर का स्टाइल आ गया, इस पर कलर आ गया. इसको मैंने अभी तक पहना नहीं है, यूज़ नहीं किया इस शर्ट को, लेकिन मैंने सोचा है कि इसको मैं आइस ब्लू कलर की जीन्स पर पहनूंगी. और आप चाहें तो आप ब्लू कलर का कोई ट्राउज़र भी सिलवा सकते हैं प्लेन, और वाइट पर भी पहन सकते हैं. बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स आप इसको पहन सकते हैं. तो बहरहाल इसका बैक बिल्कुल प्लेन है और ये फ्रंट पे पूरे पे एम्ब्रॉयडरी है, स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है. ठीक है, कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको मैंने अपनी वीडियोस में यूज़ किया है, कुछ ऐसे हैं कि जिनको आपने अभी तक देखा नहीं लेकिन वो वीडियोस आने वाली हैं, एडिट में हैं, तो वो आपके साथ सामने बहुत जल्द आएंगी. थर्ड वन जो है ये भी बिल्कुल अनस्टिच था, बिल्कुल फाइन सा फैब्रिक है, लॉन का पतला सा, और इस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी. इसको मैंने पाइपिंग लगवा के इसी कलर की, और मैंने स्ट्रेट कट में इसको बनवाया है. इसका ट्राउज़र भी बिल्कुल स्ट्रेट है. दुपट्टा इसको मैंने वाइट लेकर इसको दो कलर में चुनवा लिया था ताकि ज़रा और कलरफुल हो जाए. स्प्रिंग में बड़ा मज़ा आता है ना आपको फूलों के कलर्स के कपड़े पहनने में, तो ये इस तरह से मैंने बनवाया था. बैक इसका बिल्कुल प्लेन है, 3/4 स्लीव्स हैं इसकी. ये जो है वो मैंने एक वीडियो हेयर हैक्स पर बनाई थी, उसमें मैंने पहना है. वो वीडियो अब तक आपके सामने आई नहीं क्योंकि वो एडिट में है, तो वो बहुत जल्द आप देखेंगे ये ड्रेस भी. और इसके बाद
ये मैंने शर्ट ली थी सिर्फ बहबूद एक शॉप है कराची में, हैंड मेड सारी चीज़ें होती हैं, ये वो ख़वातीन होती हैं जो घरों से अपना काम शुरू करती हैं। बहुत खूबसूरत मुझे लगा, मेरा फेवरेट कलर है ये कॉफ़ी पिंक कलर जो होता है, इस पर आपको नज़र आ रहा है एप्लिक वर्क है, थोड़ा सा डार्कर शेड का पिंक कलर का, इस पर सिल्वर कलर का टच दिया गया है, ये बटन्स हैं थोड़े से, और इस पर दुपट्टा मैंने इसी कलर का, थोड़ा सा डार्क कलर की जो एम्ब्रॉयडरी थी उसका दुपट्टा मैंने ले लिया था प्लेन। बैक पर भी इसके थोड़ा सा एप्लिक बोटियाँ बनी हुई हैं छोटे छोटे से मुने से मोटिव्स, और ये फ्रंट पे पूरा इस तरह का है। और इसकी जो शलवार है इसको भी मैंने वाइट कलर का कपड़ा लेके सिल्वर एंड गोल्डन मैंने थोड़ा सा टच दिया इस शलवार में, क्योंकि अक्सर कपड़े जब आप लॉन के भी पहने वाइट शलवार पे, तो अगर शलवार पे थोड़ा सा काम होता है पांचों पे कुछ, तो बड़ा एक मज़ा आता है, रिच हो जाता है वो सूट। अच्छा, ये सूट मैंने पहना था रेडियंट ग्लो मास्क में। फिफ्थ तो ये मेरी कुर्ती है जो कि मैंने ख़रीदी थी इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अपनी शॉप है, जहाँ पर वो स्टूडेंट्स बनाते हैं उनके कपड़े, तो उनकी भी इंकरेजमेंट होती है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन भी बनाते हैं वो, जिस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी है ये इस तरह की, तो लॉन का कपड़ा है बहुत फाइन, स्लीव्स पर ये इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, ये दुपट्टा भी ऐसे आप रख सकते हैं दो कलर की, इस पर भी चल सकता है ये, और शलवार या ट्राउज़र आप वाइट लेंगे तो क्योंकि थोड़ा सा डार्कर कलर है बहुत अच्छा लगेगा, सूट करेगा वाइट पर। जिस तरह से इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, इसी तरह से आप कोई सा भी फैब्रिक लेकर उस पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करवा लें, कोई बीट्स लगा लें, कुछ सीक्वेंस लगा लें, तो थोड़ा स्टाइल आ जाता है। बिहाइंड द सीन बनाया था परिसान, जो ड्रामा आपको बहुत पसंद आया था उस पर, तो उसकी बिहाइंड द सीन में मैंने ये पहनी। तो मुझे लगता है कि कुछ सालों से मेरे वार्डरोब में कुछ एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा कपड़ों पे आपको नज़र आई होगी, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े, फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों है, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं जब कैनेडा में थी तो एक लंबा अरसा जो है वो मैं ज़ाहिर जॉब भी करती थी, तो एक वेस्टर्न कपड़े आप पहनते हैं, प्लेन से कलर्स होते हैं, कुछ ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं होती है कुछ, तो शायद इस वजह से मुझे एक अच्छे लगते थे कुछ कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी हो या कुछ, और हमारे ईस्टर्न कपड़े तो इतने रिच होते हैं, हमारे हैंड एम्ब्रॉयडरी हो, मशीन एम्ब्रॉयडरी हो, बहुत ज़बरदस्त से कपड़े होते हैं। शेडो वर्क जो होता है ये वो शेडो वर्क है, इसको वाइट शलवार पर मैं पहनती हूँ, वाइट ट्राउज़र पर भी पहन सकते हैं आप, और ये मैंने पहनी थी 4 फेस पैक्स मैंने शेयर किए थे समर के, उसमें मैंने ये पहनी थी कुर्ती, और ये दुपट्टा आप देख सकते हैं इस पर जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी है उसी तरह का दुपट्टा, डार्कर कलर का येलो टोन में, और सिल्वर थोड़ा सा टच दिया है सारे में, ऑल दो उस पर सिल्वर काम नहीं था, ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर लिया खुद ही से सिल्वर काम, और उस पर मैंने जो है टसल भेजा है उसमें भी सिल्वर थोड़ा सा धागा लपेट लिया था, तो एक टच आ जाता है, ताकि आप सिल्वर ज्वेलरी पहन सकते हैं उस पर, आप सिल्वर चप्पल पहन सकते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। अच्छा, ये है दुपट्टा और शर्ट लॉन का है, ये सारे कपड़े जो हैं वो छोटे छोटे लोकल जो दुकानें होती हैं वहाँ से मैंने लिया था, और इसके बहुत फाइन लॉन है, और बैक इसका इस तरह का है, डिफरेंट प्रिंट है, फ्रंट इसका डिफरेंट प्रिंट है, दुपट्टा इसका पूरा बैक के प्रिंट के साथ और इसका जो बॉर्डर है उसके साथ मिलता जुलता है, और फ्रंट पर बहुत फाइन एम्ब्रॉयडरी की गई है डिफरेंट कलर्स की, तो पतली सी पाइपिंग दी गई है, शेरवानी कॉलर मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, तो ये उस तरह का है, और पहनने में बड़ा अच्छी फीलिंग आती है, बहुत कंफर्टेबल फीलिंग, और ये मैंने पहना था जब मैं कनाडा से पाकिस्तान आई थी, तो मैंने वीडियो बनाई थी गेस व्हाट कम बैक की, तो उसमें मैंने ये पहना था। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने यूज़ किया था सूट जब मैंने विमेंस डे की वीडियो बनाई थी इस दफ़ा, और ये मैंने खुद ही बनवाया था, ये मलाई लिनन कॉटन लॉन टाइप का कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट और ठंडा सा कपड़ा, इस पर मैंने ये किसी शॉप पर मैं गई थी किसी टेलर के पास, तो वहाँ नज़र आ रहा था एम्ब्रॉयडरी कोई बना रहा था, तो मैंने मोटिव जो है वो बना लिया, थोड़ा सा मैंने उस पर बनाया, बहुत फ्रंट में ऊपर नहीं बनाया ताकि मैं ऊपर पाइपिंग लगा सकूं, और शलवार का कपड़ा जो है वो इस पर शलवार मैंने थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट प्रिंट पर रखी है, उसी का कॉलर दे दिया है, उसी की पाइपिंग दे दी है, स्लीव्स में भी, चाक में भी, दामन में भी, और फ्रंट के गले में भी, फिर इस पर ब्लैक कलर का टसल लगा लिया है, और एम्ब्रॉयडरी में मैंने थोड़े से कलर ऐड किए थे पर्पल एंड थोड़ा सा वाइट, ताकि इसके साथ थोड़ा सा जेल कर जाए, और दुपट्टा इसका बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है, ठीक है जी, और इसकी जो शर्ट की जो लेंथ है वो थोड़ी सी मैंने छोटी रखी है। अच्छा जी, ये मैंने अगेन लॉन का की शर्ट है, इस पर शिफॉन का दुपट्टा है, ये भी अनस्टिच मैंने लिया था कहीं से, अनब्रांडेड कपड़े, कोई ब्रांड कुछ नहीं था उसका, इस पर लिखा भी नहीं है, सिर्फ स्मॉल साइज़ का वो टैग लगा है,
कलरफुल टसल हैं, इस पर एम्ब्रॉयडरी है, पिंक कलर का इसका स्ट्रेट कट में ट्राउज़र है और स्लीव्स पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, जो ऑर्गेन्जा के कपड़े पे जो लेस होती है शायद वो लगी हुई है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये। मैंने होममेड सन ब्लॉक जो आपके साथ शेयर किया था SPF वाला, उसमें मैंने ये पहना था। समटाइम्स ये होता है कि हम एक किसी ओकेजन पर जाते हैं कोई कपड़े पहनकर, फिर हम सोचते हैं दोबारा उन कपड़ों को कैसे रिपीट करें, क्योंकि इतने सारे लोगों ने देखा हुआ होता है, ये बहुत सारे लोगों का मसला होता है। तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको मिक्स एंड मैच करें, दुपट्टा चेंज कर लें, ट्राउज़र्स पर दूसरा पहन लें, ज्वेलरी चेंज कर लें, एक्सेसराइज करें उसको बैग से, जूतों से। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जो आप अपने एक ही ड्रेस को बहुत दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, तो ये करते रहना चाहिए। इस पर मेरी दो वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाई हैं, वाइट कुर्ती वाली और ब्लैक कलर के सूट को आप कितनी दफ़ा पहन सकते हैं वो भी मैंने, तो अगर वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, आपको उससे भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। और ये जो है वो मैंने अपना एक मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके बिहाइंड द सीन मैंने शेयर किए थे, तो उसमें मैंने पहना था। इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो ऑफ वाइट कलर की इस पर एम्ब्रॉयडरी है, इस पर टसल लगवा लिया था मैंने। ये शर्ट कुर्ती वो है कुर्ती जो अक्सर ख़वातीन जो हैं वो घरों में बनाती हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट करती हैं, फिर शॉप्स पर रखवाती हैं। तो बहरहाल ये वो कुर्ती है और इस पर मैंने वाइट कलर की शलवार, और ये वो शलवार है जो आपको याद होगा किसी मैंने अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में एक ट्राउज़र शेयर किया था आपसे वाइट कलर का। वो ट्राउज़र ज़रा पुराना हो गया और उसके पांचों में काम बहुत अच्छा था, तो मैंने वो काम कटवा के और टेलर को मैंने कहा एक नए वाइट कलर के कपड़े पे लगा दे, तो इस तरह से मेरी एक नई शलवार बन गई बहुत खूबसूरत। ठीक है जी, तो इसका दुपट्टा मैंने प्लेन रखा है क्योंकि जब मैं वाइट शलवार पर पहनती हूँ तो वाइट दुपट्टा इस पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो दुपट्टा जो है वो इसी कलर का मुझे लगा के होना चाहिए, तो मैंने इसको मस्टर्ड कलर का दुपट्टा रख दिया। ये कलर भी मुझे बाय द वे बहुत पसंद है। अच्छा, ये मैंने खाड़ी से लिया था सूट और इस पर प्रिंटेड ये मुझे अनस्टिच मिला था, और ये जो एम्ब्रॉयडर्ड जो कपड़ा है वो अलग से थोड़ा सा था, उसको मैंने दामन में लगवा लिया, गले में इस तरह से लगाया कि अंदर की तरफ अगर आप बटन को ज़रा ऊपर वाले बटन को इस तरह से टर्न करें खोलें तो ये अंदर से भी नज़र आए। और ये कपड़ा मैंने प्रिंटेड ख़रीद के इसके कॉलर बनाए थे, और वही उसी तरह का कपड़ा जो है वो मैंने ढूंढ के और इसकी दुपट्टे के चारों तरफ लगा लिया। ये शिफॉन का दुपट्टा है। और सबसे आखिर में एक अगेन जो मैंने इस वक्त कुर्ती पहनी हुई है ग्रीन कलर की, इस पर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है, लेज़र एम्ब्रॉयडरी कहलाती है ये। थ्री क्वार्टर्स की स्लीव्स हैं और स्लीव्स पर भी हल्का सा काम है, गले पर काम है, इसके दामन में भी एम्ब्रॉयडरी है। ये अगर मेरे कैमरा में दिखा सकें तो ज़रा दिखाइए, ये दामन में देखें ये सारी एम्ब्रॉयडरी आपको नज़र आ रही है और स्लीव्स में एम्ब्रॉयडरी नज़र आ रही है। ग्रीन कलर का ये दुपट्टा रखूँगी क्योंकि वाइट मैंने ट्राउज़र पहना है, तो वाइट आप इसको शलवार पर भी पहन सकते हैं। तो ये भी वो कुर्ती है जो ख़वातीन अपने घरों में बनाती हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, तो उनको इनक्रेज करना हम सब का फ़र्ज़ है। आप इनसे इंस्पिरेशन लेकर थोड़े से आइडियाज़ अपने क्रिएटिविटी डालकर बहुत ज़बरदस्त कपड़े बना सकते हैं, और अगर बनाएं तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल पर। बहरहाल आज की मेरी कोशिश, मुझे बताइएगा कि किस तरह से आपको ये वीडियो कैसी लगी, कपड़े सारे मेरे कैसे लगे, मेरा स्टाइल कैसा लगा आपको, और इन सब में से सबसे फेवरेट आपको कौन सा ड्रेस लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है उसे क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक तो करना ही होता है, वरना मेरी हर नई वीडियो आपको पता ही नहीं चलेगा, उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है जी, और ये बॉक्सेस में वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।